नमस्कार दोस्तों, विशाल तबला सेशन इस चैनल की इस नई और ताज़ा वीडियो में मैं आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो का टॉपिक है ताल कहरवा। आज की इस वीडियो में हम ताल कहरवा की रचना, उसकी मात्रा, सम, खाली, विभाग, ताली और इत्यादि के बारे में हम लोग विस्तृत जानकारी लेंगे और इसके साथ साथ ही ताल कहरवा की एक महत्वपूर्ण किस्म या फिर उसको एक कहरवा की टाइप कह सकते हैं, जैसे कि फिल्मी कहरवा, इसके बारे में भी हम लोग विस्तृत चर्चा करेंगे। तो आइए बने रहिए इस वीडियो के आखिर तक और सीखिए कुछ नया। तो चलिए शुरू करते हैं ताल कहरवा। ताल कहरवा बहुत आसान सा और छोटा सा ताल। ताल कहरवा की मात्रा 8, सम पहली मात्रा पर, काल 5वीं मात्रा पर, ताली 1 पहली मात्रा पर और विभाग 2, हर विभाग में 4 मात्रा। ताल कहरवा की पढ़ंत हम हाथ पर उसको पढ़ंत करेंगे एक गुण और दुगुण में। ताल कहरवा हाथ पर दुगुण और एक गुण। धा गे न ती न क धी न, धा गे न ती न क धी न, धा गे न ती न क धी न, धा गे न ती न क धी न। तो दोस्तों ये थी ताल कहरवा की पढ़ंत। अभी उसे तबला पर एक गुण और दुगुण कैसे बजाते हम देखेंगे। तो दोस्तों ये थी ताल कहरवा की विस्तृत जानकारी। ताल कहरवा को हमने एक गुण और दुगुण हाथ पर उसकी पढ़ंत की और साथ में तबला पर उसको हमने एक गुण और दुगुण में बजाया। इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे फिल्मी कहरवा की तरफ। फिल्मी कहरवा यह है कहरवा का ही एक किस्म या फिर कहरवा का ही एक बहुत अच्छा एक टाइप है। फिल्मी कहरवा इसके नाम में ही फिल्म यानि ये फिल्म संगीत से जुड़ा है। आज तक हमने बहुत सारे फिल्मी गाने सुने हैं, उसमें यह ठेका हम लोग ने कई बार सुना है। तो आज कोशिश करेंगे कि यह ठेका क्या है उसके बारे में हम लोग आज जानकारी लेंगे। तो चलिए हम लोग फिल्मी कहरवा की तरफ बढ़ते हैं। फिल्मी कहरवा मात्रा 8, सम पहली मात्रा पर, काल 5वीं मात्रा पर, ताली 1 पहली मात्रा पर, विभाग 2, हर विभाग में 4 मात्रा। इसके बोल है गे तु ना तु धिन धातु, गे तु ना तु धिन धातु। फिल्मी कहरवा को हम एक गुण और दुगुण में पहले पढ़ंत करेंगे और उसके बाद तबले पर इसकी बजाने की निकास की विधि हम जानेंगे। फिल्मी कहरवा एक गुण और दुगुण, गे तु ना तु धिन धातु, गे तु ना तु धिन धातु। इसमें गौर करने वाली एक बात है, इसकी 5वीं मात्रा यानि खाली की मात्रा में अवग्रह यानि एक मात्रा का पॉज दिया गया है। हम लोग इसको काउंट करेंगे गे तु ना तु धिन धा तु, 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 गे तु ना तु धिन धा तु। यानी फिल्मी कहरवा बजाने की विधि, उसका निकास कैसे है। अभी गे तु शाही के कॉर्नर में तु, गे तु ना तु चार अक्षर, गे तु ना तु 5वीं मात्रा अवग्रह उसको छोड़ देनी है और 6ठी मात्रा धिन धिन धा तु, गे तु ना तु धिन धा तु 5वीं मात्रा अवग्रह, गे तु ना तु धिन धा तु, गे तु ना तु धिन धा तु, गे तु ना तु धिन धा तु, गे तु ना तु धिन धा तु। अभी इसकी हम एक गुण और दो गुण
कैसे करते वो देखेंगे। अभी इसको थोड़ा सा तेज, तो दोस्तों फिल्मी कहरवा को तबला पर एक गुण और दुगुन कैसे बजाना है वो हमने देखा। अभी इस फिल्मी कहरवा को गानों के साथ कैसे बजाना है, साथ संगत कैसी करनी है, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। फिल्मी कहरवा आपने देखा जैसे कि गे तू ना तू धिन धातु, गे तू ना तू धिन धातु। अभी जैसे कि एक बहुत ही पॉपुलर सॉन्ग है, चलो बुलावा आया है माता ने बुलाया, ये इस गाने के साथ उसको कैसे बजाना है इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। जैसे कि चलो बुलावा आया है माता ने बुलाया है, कुछ इस तरह से, बहुत ही सिंपल है, आप इसे जरूर कोशिश कीजिएगा। दोस्तों अगर आप फिल्मी कहरवा कैसे बजाना है इसकी आप प्रैक्टिस करते हो तो आप बहुत सारे गानों के साथ कॉन्फिडेंटली साथ संगत कर सकते हैं। जैसे कि कुछ गानों की लिंक्स मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है, आप उसे प्ले कीजिए और उसके साथ तबला बजाने की कोशिश कीजिए और आपका जो भी अनुभव है आप मुझे कमेंट करके बताइए। तो दोस्तों ये थी पूरी जानकारी ताल कहरवा की। हमने इस वीडियो में ताल कहरवा की विस्तृत जानकारी यानी मात्रा, ताली, खाली, विभाग इत्यादि के बारे में जाना और साथ ही ताल कहरवा की एक किस्म यानी फिल्मी कहरवा, ये झोटे का है, इसके बारे में भी हमने विस्तृत में जानकारी दी। हमारे इस चैनल पे आगे भी ऐसे बहुत सारे अच्छे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मैं अपलोड करने की कोशिश करूँगा, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर ये हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।